दोस्तों आज हम कुछ ऐसे हिडन रूम एंड हिडन फर्नीचर को देखने वाले हैं जिनको देखकर आप बहुत ही हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये फर्नीचर और रूम कुछ इस तरह बनाए जाते हैं कि देखने वाले को लगे कि भाई ये तो कोई साधारण सी वॉल या कोई और चीज है। तो दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप करके वह पूरा अंत तक देखना, तभी आपको बहुत ही अच्छे वाला मजा आ पाएगा। तो फिर चलो करते हैं हमारी कमाल धमाल की वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले आप इसी रूम को ही देख लीजिए। यह बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि यह तो कोई पत्थरों से बनी एक साधारण सी वॉल है, लेकिन यह तो एक खुफिया रूम है जो कि यहाँ से पकड़ कर खींचने पर ओपन होता है और इसके अंदर भी जा सकता है। अब इसी तरह यहाँ पर एक हिडन रूम बना गया है जिसको रिमोट के द्वारा खोला जा सकता है, जो कि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह तो एक साधारण सी लकड़ियों से बनाई गई वॉल है। अब यह फर्नीचर दिखने में तो साधारण सी अलमीरा दिख रहा है, लेकिन इसके डोर को पकड़कर कुछ इस तरह खींचने से तो भाई कुछ और ही नजर आने लगता है। एक अलमीरा में एक और दूसरी खुफिया अलमीरा जिसके अंदर आप कुछ भी सामान को किसी से भी छुपा कर रख सकते हो और जब चाहे इससे बाहर निकलकर इसको बंद कर सकते हैं। है ना यह बहुत ही कमाल धमाल का हिडन फर्नीचर। ऐसे खुफिया फर्नीचर को तो आपने मूवीज में भी कई बार देखा होगा जहां पर किसी भी डोर की को किसी भी टॉय वगैरह में छुपा कर रख दिया जाता है और उसको घुमाने से वह डोर ओपन हो जाता है, तो यह भी उसी तरह का फर्नीचर है। अभी यह डोर अपने आप खुल जाएगा और इसके अंदर का खुफिया रूम भी बाहर निकल जाएगा। तो जो भी चीज हमें किसी से छुपा कर रखनी है या फिर सेफली रखनी होती है तो वह हम इसके अंदर रख सकते हैं और रखने के बाद इसको बंद करके एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट की तरह बना सकते हैं और दूसरों को लगेगा कि भाई यह तो डेकोरेशन के लिए बना गया है। अब इसको देखकर तो किसी को भी लगेगा ही नहीं कि भाई यहाँ पर भी कुछ खुफिया हो सकता है। यह छोटा सा रूम इन सीढ़ियों के नीचे बना गया है जिसे कुछ इस तरह सीढ़ियों को ऊपर उठाने पर ओपन किया जा सकता है और यहाँ पर हम अपनी सारी जरूरतमंद चीजों को आसानी से रख सकते हैं। तो दोस्तों इस हिडन फर्नीचर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब पहले नजर में यह देखने से लगता है कि यह तो कोई साधारण सी अलमीरा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हिडन प्लेसेस बनाई गई हैं, जिनमें आप कुछ भी सामान को स्टोर करके रख सकते हो। और अभी तो रुको, असली खुफिया चीज तो यहाँ पर है। इसके दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा रूम है जिसमें आप आसानी से रह सकते हो और सो भी सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर हो। इस फ्लोर के नीचे एक हिडन अंडरग्राउंड प्लेस है जो कि इस रिमोट के द्वारा ओपन होती है। ऊपर से देखने पर एक बार तो लगता है कि भाई यह एक फ्लोर है, लेकिन भाई साहब इसके नीचे तो पूरा एक कमरा ही है जिसको हम जब चाहे ओपन कर सकते हैं और जब चाहे क्लोज कर सकते हैं। इस अलमीरा को अंदर की तरफ धकेलते जाओ और एक नए रूम को पाओ जिसमें आप आराम से रह सकते हो व अपनी सीक्रेट चीजों को स्टोर भी कर सकते हो। यह अलमीरा ऊपर की तरफ से सिलेंड्रिकल पाइप से जुड़ी हुई होती है जो कि आगे पीछे हो सकती है, तो हम जब चाहे तो इसको अलमीरा के रूप में यूज कर सकते हैं और जब चाहे इसको अंदर ढकेल कर इसके अंदर जाकर आराम से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। इस रिमोट के द्वारा इन किताबों के पीछे अपने स्टोर में भी जा सकता है। अब आपको जो ये फर्नीचर दिख रहा है ना, इसके अंदर एक बहुत ही खुफिया लॉकर है जिसके अंदर हम अपनी कीमती चीजों को आसानी से रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इस प्लाई को हटा दिया जाता है और फिर इस ड्रावर को इस तरफ मूव कर दिया जाता है और यहाँ पर होता है सीक्रेट लॉकर जिसको एक चाबी की मदद से खोला जा सकता है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने कीमती और वर्दी सामान को रख सकता है जिससे किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि हमारा सामान यहाँ पर है। तो दोस्तों इस सीक्रेट लॉकर के बारे में आपके क्या ख्याल है कॉमेंट करके जरूर बताओ। ये फर्नीचर या टूल तो बहुत ही कमाल का है, इसमें इतने सारे पार्ट हैं कि आप गिनते गिनते हैरान हो जाओगे। तो चलो देखते हैं इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसके ऊपर वाले भाग को निकाल कर अलग रख दिया जाता है और फिर इसके चारों तरफ लगे इन पीसेज को एक एक करके निकाल दिया जाता है।
और अब इस बचे हुए पार्ट को घुमाकर इसको भी निकाल दिया जाता है एंड इसके अंदर भी कुछ सीक्रेट जगह होती है। और इसके नीचे बचे हुए पार्ट में भी हम अपने छोटे छोटे सामानों को छुपा कर रख सकते हैं। यह टीवी जिस दीवार पर लगा है यह दीवार घूम सकती है और जैसे यह दीवार पूरी घूम जाती है इसके पीछे लगे सीक्रेट ड्रावर्स दिखने लगते हैं जिनमें हम अपने किसी भी सामान को किसी से भी छुपा कर रख सकते हैं वह जब चाहे उनको बाहर भी निकाल सकते हैं। है ना यह बहुत ही कमाल का हिडन फर्नीचर। इस रूम के अंदर एक और बहुत ही बड़ा रूम है और वो छुपा है इस कबट के पीछे। रिमोट के द्वारा इस कबट को खोला जा सकता है और एक नए रूम के अंदर जा सकता है। इस कबट को खोलने के बाद यहाँ पर छोटी सी गैलरी है और इसके नीचे सीढ़ियां लगी हुई है जहाँ पर एक बहुत ही शानदार रूम बना हुआ है जिसमें कोई भी व्यक्ति बहुत ही आराम से और कंफर्टेबली रह सकता है। इन बुक्स के पीछे तो एक बहुत ही बड़ी सुरंग बनी हुई है तो सबसे पहले इन बुक्स को हटाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या सिस्टम है। यहाँ पर एक पलाई लगी हुई है जो कि स्क्रूज के द्वारा टाइट की गई है तो अगर सुरंग को देखना है तो भाई इन स्क्रूज को भी खोलना ही पड़ेगा। और ये देखो निकल आए एक बहुत ही खुफिया सुरंग जिसके फ्लोर पर भी ये होल बना हुआ है जो कि अंडरग्राउंड में जाता है और यहाँ पर ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी लगी हुई हैं। तो इस तरह इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर नीचे जाया जा सकता है और यहाँ पर बहुत ही खाली जगह पड़ी हुई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों।